ताजनगरी के युवाओं की धड़कन और युवाओं के लिए संघर्ष कर उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले युवा समाजसेवी केशव अग्रवाल ने घटिया आजम खां स्थित होटल किंग पार्क एवेन्यू में दक्षिण विधानसभा से बसपा प्रत्याशी जुल्फिकार अहमद भुट्टो के समर्थन में बैठक का आयोजन किया। बैठक में लगभग 100 से अधिक व्यापारी युवा मौजूद रहे, जिसे बसपा प्रत्याशी ने संबोधित कर पार्टी द्वारा कराए गए सराहनीय कार्यों की फहरिस्त युवा व्यापारियों को बताई और बसपा सरकार आने और खुद को क्षेत्र का प्यार मिलने पर व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया, तो इस मौके पर युवाओं में जोश नजर आया। समझा रहे हैं, आप हमारे संग आइए, अच्छे लॉ ऑर्डर के लिए, अच्छे कानून व्यवस्था के लिए, कमजोर लोगों और वंचित लोगों के विकास के लिए और आगरे के विकास। आगरे में हमने 1200 करोड़ का पानी दिया 2 धारणाओं में, जो कि अब तक वो 2010 से स्टार्ट करा हुआ था, 2014 में पूरा होना था, अब तक ये लोग नहीं ला सके। मैंने कहा मैं इसको लेकर आऊँगा, मेरे हाथ का प्रोजेक्ट है। दूसरा टोरेंट का जो 150 यूनिट है, जो न्यूनतम दर पर 4 रुपये रेट लगती है, उसको हम 250 यूनिट कराएंगे, जिससे सीधा मध्यम दर्जे तक की गली को सीधा इसका फायदा होगा। दूसरा, बहन जी ने कहा मैं व्यापारी आयोग बनाऊंगी, 10 पैसे के कागज़ पर अपनी शिकायत को रखोगे, उस शिकायत को रखने के बाद वो अधिकारी और व्यापारी आमने सामने बैठ के वो आयोग उसका समाधान कराएगा। आज तो भाई यहाँ घटिया आए थे केशव अग्रवाल जी, जो हमारे युवा समाजसेवी हैं और व्यापारियों के नेता हैं। आज भुट्टो भाई यहाँ पर आए, उनका जोर जानदार शानदार स्वागत हुआ और भुट्टो भाई ने हम सबके आगे जो कल भेंगी हमें संदेश दे गई है वो पते रखी। कल भेंगी आई थी आगरा, लाखों की भीड़ थी। कल भेंगी ने बहुत बढ़िया बात कही व्यापारियों के हित में, भेंगी ने अलग से व्यापार आयोग बनाया, जिससे अब हर व्यापारी जो भी उन्हें शिकायत होगी वो डायरेक्ट व्यापार आयोग को कह पाएगा और व्यापार आयोग में जाकर हर व्यापारी की समस्या का निर्धारण खुद भेंगी के नेतृत्व में होगा। देखिए, आज हमारे बड़े भाई व्यापारी नेता हमारे बीच उभर कर आए हैं। अभी तक हमें वैसे समाज से कोई अच्छा प्रतिनिधि नहीं मिला था वैसे समाज के लिए, जो कि आज हमारे बड़े भाई केशव अग्रवाल जी वैसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वैसे समाज को एक दिशा दिखा रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चाहिए हमें और व्यापारी से आते हैं समाजवादी पार्टी शासन। अब कल बहन कुमारी मायावती आई थी, लाखों की भीड़ के बीच में उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि व्यापारी आयोग लागू किया जाएगा, जिसकी डिमांड काफ़ी समय से, जिसकी मांग काफ़ी समय से व्यापारी वर्ग कर रहा है और जिसको कि अभी तक किसी भी पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया और किसी भी अपने चुनावी भाषण में रखा नहीं, तो उस बात को समझा जाए, व्यापारियों के दुख दर्द को समझा। बैठक में युवा समाज सेवी केशव अग्रवाल ने मौजूद युवा व्यापारी बंधुओं से दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर बसपा सुप्रीमो मायावती को पांचवी दफा सीएम बनाने की अपील की। आज जो हमने दक्षिण विधानसभा के अंदर अपने जी जो प्रकार अहमद भुट्टो जी की जो बैठक कराई है, उसमें सर्व समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सभी व्यापारी वर्ग उसमें बैठक में आया और व्यापारियों ने और युवाओं ने भुट्टो भाई को आश्वासन दिया है, इस बार हम आपको दक्षिण विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे। आपको बता दें कि युवा व्यापारी केशव अग्रवाल निरंतर बसपा में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। अगर 2017 में बसपा की सरकार यूपी में नीला झंडा गाड़ती है तो युवा समाज सेवी को बसपा सुप्रीमो का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। युवा सोच युवा जोश युवा सोच। वोट देना सबका कानूनी अधिकार है, आपके वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव, राष्ट्र का जो उत्थान करे उसी को हम मतदान करें। आपका वोट आपकी आवाज है, लोकतंत्र का यही आधार, वोट न कोई हो बेकार। युवा हो तुम देश की शान, जागो उठो करो मतदान, जन जन की यही पुकार, वोट डालो अब की बार, एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव, सही उम्मीदवार का ही चयन आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकता है। युवा समाज सेवी गौरव बंसल। ऐसा बल भी मत देना। बहन मायावती के पिछड़े अल्पसंख्यकों और युवा वर्ग को आगे लाने की सोच को अब कोई नहीं रोक सकता, सबको देखा, अब वोटर कुछ और सोच नहीं सकता, एक ही लीडर
एक ही मजबूत इरादा, एक ही सच्चा वादा, कर लिया है सबने तय, सुश्री बहन मायावती के हाथों में देनी है प्रदेश की जिम्मेदारी। इस बार यूपी ने सोच के भरी है हुंकार, इस बार 100% बनेगी बहुजन समाज की सरकार। वो एक बेटी है जो अपने समाज का दुख दर्द समझती है, वो एक शक्ति है जिसे भय मिटाना, भयमुक्त समाज बनाना आता है, वो एक कुशल शासक है जिसके राज में कौन कर सकता है जनता के हितों की अनदेखी। उत्तर प्रदेश रहा है उस शख्सियत पे फिदा, अब 2017 में भी होगी वही फिदा, सुश्री बहन मायावती के साथ। यूपी ने भरी है हुनकार, इस बार 100% बनेगी बहुजन समाज की सरकार।